फ्रेंड जय श्री कृष्णा। आज देखिए मैं आपके लिए ये लड्डू गोपाल की 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए के लिए है और ये कॉटन बेस पे है। जैसे कि समर और अब गर्मी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जैसे हमको ठंडा शरीर में लाने के लिए हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वैसे भगवान जी को भी हम लोग कॉटन के कपड़े पहनाएं तो उनको ठंडक महसूस होती रहेगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये कॉटन की ड्रेस बना के मैं लाई हूँ और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे घर पे आसान विधि से बना सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं इस कपड़े से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊंगी और ये देखिए कितना सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है आप जैसे देख रहे हो। और इसमें बेबी प्रिंट बना है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है और मैंने ये समर के हिसाब से कपड़ा कलर भी रखा है, जैसे सॉफ्ट और वाइट कलर गर्मी में ठंडाता है इसलिए मैंने ये लिया है। वो प्योर कॉटन है ये। और अब देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है क्योंकि मेरी लेस थोड़ी इसमें लगेगी तो चौड़ी हो जाएगी तो ये फिर 6 इंच तक आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कहते हैं 4 इंच इसकी लंबाई ली है। और इसमें देखिए ये ऐसे करके किनारी है जो कपड़ों में जब होती है फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी हम चौड़ाई लेंगे तो चौड़ाई हम 45 इंच लेंगे। ये देखिए 45 इंच मैंने इसकी कपड़े की चौड़ाई ली है, ठीक है। अब इसमें मैं लेस लगाऊंगी, हम इसमें ये वाली लेस लगा देंगे, ठीक है। तो राइट सीधा देख के फिर हम इसी पे सिलाई करेंगे क्योंकि हमें ये फोल्ड नहीं करनी है। और देखिए हमें ये लेस लगा ली है तो ये देखिए कितनी चौड़ी लगेगी, ठीक है। ये 1.5 इंच तक की ये लेस है, ठीक है। अब इसको हम इसमें यहाँ सिलाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने ये ग्रीन लेस ली है, ठीक है। ये नॉर्मल लेस है, रिबन जिसे कहते हैं ये है, और इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो हम इसमें या तो आप सीधा लगा लो, मैं ये नॉर्मल लेस है तो इसमें मैं प्लीट्स डालूंगी और प्लीट्स डाल के इसको मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो देखिए हम ऐसे करके ये प्लीट्स डालेंगे एक के ऊपर एक रख के, हम ऐसे करके और लगाते बीच में रखेंगे, ठीक है, और लेस लगाएंगे। तो हमें ये बिल्कुल बीचों बीच रखना है, इसकी सिलाई मशीन की जो सुई है उसको हमें बिल्कुल बीचों बीच रखना है और इसमें बीचों बीच में लगाना है, ठीक है। और एक एक प्लीट्स डालते जाएंगे। अब देखिए हम ऐसे करके ये प्लीट्स ऐसे ही यूं लेंगे और जैसे हम और प्लीट्स डालते हैं इसमें भी हम रिबन में ऐसे करके फिर ऐसे ये ऊपर उठाएंगे और फिर एक प्लीट्स लेंगे और ऐसे डालते डिजाइन ये ऐसे एक बन जाएगी और धीरे धीरे करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आपकी बहुत सुंदर ऐसे ड्रेस बन के तैयार होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल जो मशीन है उसकी सुई की नोक बिल्कुल रिबन के बीच लेस से पूरे में लगा दी है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ साइड में भी लगाएंगे और फिर हम इसमें ऐसे करके युवा प्लीट्स बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर भी लगा दिया है, दोनों साइड मैंने कर दिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे, ठीक है। तो प्लीट्स हम वैसे ही डालेंगे जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था और जैसे ये किनारे ये ग्रीन वाले लेस में डाला है सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो आप देखिएगा जो कमर की विड्थ है वो 6 इंच या 6.5 इंच रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे और एक के ऊपर एक नहीं रखना है, थोड़ा दूर दूर हमें लेस ये प्लीट्स डालनी है, ठीक है। फिर ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। फिर हम ये देखिए
पहले हम ऐसे प्लीट्स ले लेंगे, ठीक है, और फिर इसी के ऊपर न रख के थोड़ा साइड में रख के, और फिर हमें एक साथ जैसे हमने 2-3 प्लीट्स बना ली, ठीक है, और हमें गोलाई भी देते जाना है कि प्रभु के कमर की जो गोलाई है वो भी बनती जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ऐसे करके प्लीट्स डालनी है। तो हमें पहले ऐसे यूं पकड़ना है और यूं यूं करके हम प्लीट्स डालेंगे। तो एक के ऊपर एक ना रख के थोड़ा दूर रख के हमें प्लीट्स डालनी है, ठीक है, और एक साथ 2-3 आपने ऐसे करके यूं बना लेंगे बराबर से, ठीक है, और फिर हमें मशीन चलानी रहेगी। ऐसे करके हम ये पूरी प्लेट्स बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये घेर कुछ इस तरह से ये तैयार होके कंप्लीट हो गया है, जैसे देख रहे हो, ठीक है। अब हमें इसकी ऊपर की चोली के लिए करना है, ठीक है, तो हम लेस लगा लेंगे। ये मैंने 14 इंच की पट्टी काट ली है और 2 इंच की, ये 14 इंच की ये लंबाई है और इसकी चौड़ाई 2 इंच है, ठीक है। अब इसमें मैं यही ग्रीन जो लेस है, ये रिबन है, इसी को मैं यहाँ दोनों साइड लगा लूंगी, ठीक है। हम ये दोनों साइड ऐसे करके यूं करके दोनों साइड लगा लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये पट्टी दोनों तरफ मैंने ये लेस लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें बराबर करके फोल्ड करके अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद सेवन इंच की मैंने दोनों पट्टी करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे करके सिलना है। तो हम ये सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने ये 2.5 इंच तक मैंने इसको सिलाई कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको उल्टा फोल्ड करेंगे, ठीक है, और उल्टा फोल्ड करने के बाद हम ऐसे यहाँ दोनों साइड हमें सिलाई करनी है, ठीक है। तो हमें टेढ़ी सिलाई करनी है, शेप जैसे देंगे तो हम इतना छोड़ के हम ये देखिए हम 1.5 इंच तक इसको सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच तक हमें ये टेढ़ी ऐसे करके यहाँ तक सिलाई करनी है, दोनों तरफ करनी है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे ऐसे करके, ठीक, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई टेढ़ी करी है, ठीक है। आप जैसे देख रहे होंगे, मैंने ये अदर येलो वाले थ्रेड से किया है जैसे आपको दिखे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके सीधा करेंगे, तो ये देखिए भगवान जी की, ठीक है। अब हम इसको इसमें अटैच करना है, अब देखिए हम इसकी ये विड्थ आपको दिखाते हैं घेर की, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ ये 3, ये 6.5, ठीक है, 6.5 ये पूरी आ रही है, ठीक है। हमें यही विड्थ कमर की रखेंगे तो हमारी ये परफेक्ट ड्रेस बनके तैयार होगी। अब हम इसमें ये चोली अटैच करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमें एक तरफ से पकड़ना है, ठीक है। तो हम एक तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके हम सिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी जो सिलाई दिख रही है, मैंने ग्रीन इसलिए लगाई है कि आपको दिखे, ठीक है। अब इसी में हम सिलाई करते चले जाएंगे, तो हम इसी में ऐसे गोलाई से घुमाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। नीचे से थोड़ा सिलाई करनी है, ठीक है।
जैसे मेरी ये परफेक्ट भेद तैयार कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब हम चालू करेंगे। तो हमें अपनी ऊपर चोली को थोड़ा हल्का सा खींचते हुए करना है और घेर को कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ हमें ये प्लीट्स भी ध्यान रखनी है कि टेढ़ी ना हो, ठीक है, कि हमने जो ये प्लीट्स बनाई है इसमें भी कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम धीरे धीरे ये ऐसे गोलाई देते जाएंगे और अपने चोली को अटैच करते जाएंगे। ये मैंने घेर पूरी इसमें चोली में लगा दी है, आप जैसे देख सकते हो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। ये जैसे ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो भगवान जी को जैसे ये चुभे नहीं तो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारी ये देखिए अब तैयार हो गई है, जैसे आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें प्लीट्स देखिए बिल्कुल निखर के आई है ड्रेस, और बहुत प्यारी लग रही है। इसमें मैंने बस आप ही याद रखिएगा, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है उसी के अनुसार अगर आप बनाओगे तो आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट, देखिए कहीं भी झोल नहीं है, कहीं भी क्रिच खराब नहीं हुई है, और पूरी प्लीट्स परफेक्ट आई है और भगवान जी के भी फिट आएगी, और ये 5 नंबर के लड्डू है परफेक्ट आएगी। और इस साइज से अनुसार बनाएंगे, चोली की भी साइज मैंने 7 रखी है। अगर आपके लड्डू गोपाल की जैसे ऊपर की लेंथ आप देख लीजिएगा, कमर से लेके पीछे तक देख लीजिएगा कितनी आती है, उस हिसाब से आप रखिएगा। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।